नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। पांच पुलिस वालों पर केस और दो SHO को किया गया सस्पेंड। बता दें कि खरखोदा बाईपास पर शराब तस्करी के करीब 15 मामलों में नामजद भूपेंद्र का शराब गोदाम है। यह गोदाम भूपेंद्र ने अपनी माँ के नाम पर किराए पर ले रखा है। आबकारी विभाग और पुलिस ने वर्ष 2019 के फरवरी व मार्च माह में गोदाम से बड़े स्तर पर अवैध शराब पकड़ी थी। अफसरों ने भूपेंद्र से मिलीभगत कर शराब को उसी के गोदाम में सील कर दिया। इसके साथ ही 7 ट्रकों में पकड़ी गई शराब भी इस गोदाम में रखी गई। अदालत में चल रहे 14 मामलों की शराब को गोदाम में रखवाया गया। ऑन रिकॉर्ड गोदाम पर सुरक्षा के लिए पुलिस टीम तैनात है। इसके बावजूद सील की गई शराब ताले तोड़कर और दीवार उखाड़कर निकालकर बेच दी गई। SP जशनदीप सिंह रंधावा ने आदेश देते हुए DSP हरेंद्र कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार और जितेंद्र सिंह की देखरेख में टीम ने 4 दिन तक शराब की गिनती की तो सच्चाई सामने आ गई। बता दें कि 14 मुकदमों में जब्त कर खरखोदा बाईपास पर गोदाम में रखी गई शराब में से 5,500 पेटियां गायब मिली। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के आरोपी के साथ मिलीभगत कर शराब ठिकाने लगाने पर बुधवार को 2 SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। खरखोदा थाने में प्रभारी रहे अरुण कुमार जसवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसी गोदाम में एक ट्रक में प्याज के नीचे छिपाकर रखी गई अवैध शराब की करीब 1400 पेटियां बरामद की गई। मंगलवार शाम को शराब माफिया भूपेंद्र, उसके भाई जितेंद्र व 2 अन्य संदीप और सतीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सोनीपत शराब घोटाले की जांच 3 सदस्यीय SIT करेगी। उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को SIT गठित करने के मामले में निर्देश दिए। SIT में एक वरिष्ठ IAS, एक ADG स्तर के अधिकारी व एक आबकारी एवं कराधान विभाग का अधिकारी शामिल होगा। कमेटी जांच कर 20 दिन में अगली रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह मंत्री विज ने कहा कि सोनीपत शराब घोटाले के लिए जल्द ही SIT का गठन हो जाएगा। SIT की कमान किसी वरिष्ठ पुलिस अफसर के हाथों में दी जाएगी। यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं। विज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री बंद थी। सोनीपत शराब घोटाले से लगता है कि शराब माफिया ने पुलिस आबकारी विभाग के प्रभाव में लेकर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी तस्करी की होगी। ऐसे में इस मामले की कार्रवाई करना भी आवश्यक हो जाता है।